तो आज हम बनाएंगे एक एरोप्लेन, जिसके लिए हमने एक पेपर ले लिया है। अब इसे हम आप हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे, फिर पलटेंगे और इधर से भी ट्रायंगल शेप देंगे। और हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें क्लोज साइड से ही ट्रायंगल शेप दोनों साइड देना है, और ये हमारा ओपन साइड बिल्कुल ऐसे रहेगा। उसके बाद हम इसे ऐसे ओपन करके फोल्ड कर देंगे बिल्कुल। अब इसके बाद हमको जो करना है, अब इसे हम फिर से ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे, इसके बाद इस साइड से भी ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद ऐसे। अब इधर भी हम वैसे ही करेंगे। उसके बाद इस साइड से भी ऐसे करेंगे, इधर से भी हाफ फोल्ड। अब इसे हम ओपन करेंगे, ये हमारा फोल्ड ही रहेगा। और इसके बाद हम इसे यहाँ से ऐसे करेंगे, कॉर्नर मिला देंगे दोनों साइड। सेम टू सेम इधर भी वैसे करना है, इसको भी ओपन करेंगे और ये हमारा हाफ फोल्ड रहेगा बिल्कुल यहाँ से। और उसके बाद हम इसे भी ऐसे ओपन करेंगे, अब इसके बाद अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस ऊपर वाले साइड को बिल्कुल ऐसे। उसके बाद इसे हम करेंगे ओपन और ये हमारा ऐसे अंदर की ओर मुड़ जाएगा ऐसे। उसके बाद हम इस साइड को भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे ऐसे फोल्ड, उसके बाद इसे ओपन, फिर ये ऐसे होगा बस। उसके बाद इसे हम करेंगे कट, लेकिन कट सिर्फ हम एक पार्ट को ही करेंगे, दोनों पार्ट को नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कट करेंगे बस। ऐसे हमने कर लिया इसे ये बिल्कुल कट। उसके बाद तो हमने इसे पूरा कट कर लिया। अब इसे भी हम ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे, इधर साइड जाएगा ये हमारा एक फोल्ड, इस साइड को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस साइड। उसके बाद हम इसे करेंगे ऐसे फोल्ड ऐसे, इस साइड को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को फोल्ड करने के बाद एक कैसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर से लाके दूसरे को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे ऐसे मोड़ देंगे, उसके बाद मोड़ने के बाद इसे हम हाफ फोल्ड करेंगे इधर से भी। उसके बाद
उसके बाद हम इसे करेंगे कट बिल्कुल बीच से। इधर साइड से भी कट करेंगे हम। उसके बाद इसे हम करेंगे फोल्ड ऐसे, और इस साइड से भी करेंगे हम फोल्ड ऐसे। उसके बाद बस, तो ये अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसको हम ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे। इसके बाद ये हमारा ऐसे, और ये हमारा एरोप्लेन बनके हो गया रेडी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारा एरोप्लेन बनके हो गया रेडी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के साथ। शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।